नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे टेरिस गार्डन में आपका। और आज मैं आपके सामने हूँ आप लोगों की पसंद का की सब्जी लेकर के, वो है बैंगन प्रिंजल बताओ के नाम से जानते हैं इसको, तो तीन चार नाम होते हैं इसके। और ये बैंगन है, हमने क्या है देखिए, प्लास्टिक की बाल्टी में उगाया है और इतना फल लिया है हमने कि दो तीन बाल्टी उगा के अब मतलब आपको पूरा जो है पूरे परिवार की सब्जी आपको मिल सकती है। और इसका गुण क्या होता है, इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो जब आप खाते हैं तो जिनको ब्लड की कमी है, खून की कमी है, उनके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, पौष्टिक जो है सब्जी मानी जाती है। तो आप इसके बारे में बात करेंगे, आपने फसल देख ली कि कितनी ज़्यादा मात्रा में फल लगा हुआ है। लोग कहते हैं उगा नहीं, मेरा फल आया फल झड़ गया, फूल आया फूल झड़ गया, और लगता नहीं है। तो आपको क्या है कि बैंगन लगाने के लिए कम से कम 12 इंची का गमला लेना है आपको, 12 इंची का गमला कम से कम होना ही चाहिए। और या फिर आपको पेंट की बाल्टी है, जैसे देखिए फूड ग्रेड बाल्टी है, तो इस तरह की 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें देख रहे हैं आपके अल्टीमेट फल आया हुआ है, और इसी तरह में लगाएंगे तो फल आपका बहुत बढ़िया आएगा। और मैं आपको ए टू जेड जानकारी देता हूँ, क्योंकि बैंगन का कोई पौधा ऐसा नहीं कि बीज एक जगह डाला और हो गया। इसकी सबसे पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, फिर दोबारा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तब जा कर के ये बैंगन आपका लगता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम बैंगन को लगा सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि घर में जो बैंगन आता है उसके बीज से लगा लेंगे, तो नहीं होगा। कई बार पका बैंगन आ जाता है बट वो इतना मैच्योर नहीं होता है। अगर उस बीज से लगाएंगे, पहली बात तो उगेगा नहीं, अगर उग भी गया तो वो फल नहीं देगा। तो इसलिए आपको मैच्योर सीड्स ही लेना है। तो इस तरह का खुले मुँह का बेसन लेना है, और ये देखिए बैंगन के सीड्स हैं, गौर से देख लें। ये बैंगन के पूरी तरह से तैयार सीड हैं, जो हमें मार्केट से भी मिल जाते हैं, या अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। स्पेशल बैंगन होता है, इसका लगाने का टाइम बैंगन का दो टाइम होता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये मार्च फरवरी का लगाया हुआ बैंगन है, और हम इसको 3 से 4 बार हार्वेस्ट कर चुके हैं। फरवरी मार्च में लगाया हुआ बैंगन है ये, और अभी ये फल दे करके अभी ये ख़त्म हो जाएगा, लगभग जून के एंड होते होते जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है अभी ये जो बीज डाली जाएगी, इस बीज को हम जुलाई में लगा देंगे, और ये जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर तक आपको फिर फल देता रहेगा। तो ये साल में 2 बार बैंगन लगाया जाता है, जिसकी हमारी फल चलती रहती है। अगर चाहें तो इसी बैंगन को आप टेकिंग केयर थोड़ी सी करेंगे तो ये आपको नवंबर तक फल दे सकता है, मतलब पूरा साल बैंगन चल सकता है। लेकिन साल के बाद बैंगन के पौधे को आप मत रखिए। तो अब मैं उगाने की विधि बता रहा हूँ। ये सीड्स हैं, और इस सीड को कैसे उगाना है हमने, ये मिट्टी लेनी है, मतलब कोई भी जो सीडलिंग उगानी है उसके लिए वैसे ऐसा लेना है कि उसकी गहराई कम हो। ज़्यादा गहराई वाले में लगाएंगे तो पानी की मात्रा कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ जाएगी, जैसे बारिश हो गई, आप जानबूझ के नहीं भी डालेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो बारिश में पानी ज़्यादा सिग्नेट हो जाएगा, जिस वजह से वो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसकी डेप्थ थोड़ी होने की वजह से इतना ही डेप्थ रहेगा, तो गैसेज नीचे नहीं बनेंगे, फंगस नहीं बनेगा, और पौधा आपका बढ़िया सर्वाइव कर जाएगा। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए देखिए, इसमें मिट्टी क्या करना है आपने, थोड़ा सा स्टोन डस्ट कैल्शियम के लिए देना है 1 मुट्ठी, और 1 मुट्ठी आपको लीफ कंपोस्ट देना है, और 1 मुट्ठी नीम खली। ये तीनों चीज़ें मिला के इस तरह से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। देखिए राइस हस्क दिखाई दे रहा है, राइस हस्क क्यों डाला जाता है इसका भी मैं बताता हूँ तरीका। राइस हस्क डालने के पीछे हमारा रीज़न ये है कि मिट्टी जिनकी हार्ड है उसमें अगर हम ये बीज लगाएंगे तो वो जर्मिनेट करने में दिक्कत करेंगे। तो ये राइस हस्क मिला के मिट्टी क्या हो जाती है, पोरसपन आ जाता है उसमें, और स्टोन डस्ट से कैल्शियम मिल जाती है, न्यूट्रिशन जो है वो लीफ कंपोस्ट से मिल गया, तो पौधा आपका बड़ी जल्दी जर्मिनेट करेगा और बड़ी जल्दी ग्रोथ भी आ जाए। जो मिट्टी हमने तैयार की कि राइस हस्क, लीफ कंपोस्ट, स्टोन डस्ट और नीम खली मिला करके, इसका कुछ पार्ट हमने इसमें रख लिया है। अब क्या करेंगे, हम ये पैकेट खोलेंगे, और चाहें तो आप रात भर सोख करके भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, गर्मी पूरी पड़ रही है इस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरह से इसको हम, ये देखिए, लेने से पहले ये ध्यान दें कि कहीं बहुत सीड पुराना ना हो, नहीं तो जर्मिनेट नहीं करेगा। इतना करने के बाद जो ये मिट्टी हमने बनाई हुई रखी थी ये लेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। एक आधे इंची मिट्टी जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल करके, तो ये जो हम बरसाती सीजन का बो रहे हैं इसमें देखिए बो दिया हमने, और ये इस तरह से हाथ लगा के पानी देना है, नहीं तो डायरेक्ट आप पानी डालेंगे तो ये बीज उखड़ के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, अपने हाथ लगाना है या कोई फुहारे वाले से पानी देना है। लगभग इसमें हमने 0.5 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया, और इसको आपको रखना धूप में, ये गलती नहीं करनी है कि इसको कहीं छाए में रखें, इसको धूप में रखना है
तीन से चार दिन के अंदर ये सारा जर्मिनेट हो जाएगा और एक महीने के अंदर आपका ये पौधा तैयार हो जाएगा लगाने के लिए, तीन तीन चार चार इंची का। तो इसको आप अगर घर की छत पे लगा रहे हैं तो किसी बाल्टी में, जैसे 20 लीटर की बाल्टी है या गमला लेते हैं, तो कम से कम 12 इंची का गमला लें, उसमें आप दो पौधा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए इसमें किसी में एक पौधा, किसी में दो पौधा लगाया हुआ है और इतना इतना फल है। देखिए जहाँ पे एक फल, एक पौधा ही है, ये एक सिंगल पौधे में इतना फल है। ये देखिए इस तरह से दो पौधा ये लगाया हुआ है, तो इस तरह का फल ले सकते हैं। अब फल कितने दिन में आएगा उसके लिए बताता हूँ मैं। जैसे एक महीने में पौधा तैयार होता है, आप इसमें लगा दें, इसके लगने के ठीक 30 से 35 दिन में आपकी फ्रूटिंग बढ़िया शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए केयर करना है, मिट्टी कैसी रखनी है, 7:1 का मिट्टी रखनी है। कि 7:1 का रेशियो क्या होता है, 7 भाग मिट्टी के गार्डन सोयल के, 1 भाग आपका लीफ कंपोस्ट का लेना है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, लीफ कंपोस्ट आपके पास नहीं है बैक्टीरिया कल्चर वाला, तो 2 पार्ट आपने वर्मी कंपोस्ट का और 6 पार्ट मिट्टी का यूज़ करना है। हाफ पार्ट जो भी आप मेजरमेंट लेंगे उसका आधा जो है आपने वो स्टोन डस्ट यूज़ करना है और उसी का 25% आपने नीम खली यूज़ करनी है। उनको सबको मिक्सचर को गमले में भर लेना है और उसमें पौधा लगा देना है आपका। तो लगाने के 30 से 35 दिन बाद आपकी फ्रूटिंग इस तरह आएगी। और आप क्या करें, अगर इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है दोस्तों, तो ख्याल रखिए कि ये जैसे आपका हार्वेस्ट करने लायक होता है, तो हार्वेस्ट करने लायक, जैसे ये हार्वेस्ट करने लायक, ये हार्वेस्ट करने लायक है, ये नहीं हार्वेस्ट करने लायक है। तो जो हार्वेस्ट करने वाला फल है उसको तोड़ेंगे तो आगे वाले फल को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी यहाँ से मिलती रहेगी। लेकिन आपने रेगुलर सप्लाई लेना है तो हम गलती क्या करते हैं आप लोग कि ज़्यादा फल नहीं आता, आगे फल नहीं आता, एक बार आके बंद हो गया। कारण क्या होता है, जैसे ठीक बैंक अकाउंट में पैसे आप जमा करते रहेंगे तभी ATM से निकाल पाएंगे, तो इसी तरह समझिए कि इनका ये बैंक अकाउंट है और इसमें से ये पैसे निकलने या फल निकलना है, ये तभी तक निकलेगा कि इसके अंदर इंटेक भी करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये फ्रूटिंग है इतनी मिट्टी में से जितना एनर्जी था वो ले लिया, फ्रूटिंग हो गई। अगली फ्रूटिंग के लिए हमने क्या करना है, कंटिन्यूस फ्रूटिंग के लिए, अगली फ्रूटिंग के लिए, जैसे एक तोड़ लिया अगली फ्रूटिंग चलती रहे, उसके लिए क्या करना है, आपने 3 महीने में एक बार तो इसको खोद के लीफ कंपोस्ट देना है और 15 से 20 दिन में एक बार। ये हमारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर होता है जो कि प्लांट को इंस्टेंट एनर्जी देता रहता है और हमारी फ्रूटिंग रुकती नहीं है। ये नेचुरल तरीके से डिफरेंट तरह के पत्ते होते हैं, उसको डिकम्पोज करके उसका लिक्विड निकाला जाता है बैक्टीरिया कल्चर में। 1 लीटर ये लेंगे, उसमें 4 लीटर पानी मिलाएंगे और इन गमलों में, जैसे कि इतना बड़ा बाल्टी है 12 इंच का है, तो इतना बड़ा पौधा हो तो कम से कम 500 से 700 ml आप इसमें डाल देंगे 15 दिन 20 दिन में एक बार गुड़ाई करके। इसको छाया में रखिए, शाम के टाइम डालिए, क्योंकि जीवाणु है इसके अंदर जैविक, तो जीवाणु जो है वो शाम को डालेंगे तो इस मिट्टी में सीप कर जाएंगे रात भर में, नहीं तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज में रखेंगे, सन में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो मर जाएंगे, फिर रिजल्ट आपका वो नहीं आएगा। इसलिए इसको छाया में रखिए, आपसे रिक्वेस्ट है अगर यूज़ करें आप तो। और इसमें हर 15 से 20 दिन में डालिए और इसी तरह मेरी तरह से फसल लेते रहिए, मतलब बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, केमिकल पेस्टिसाइड के आप अपने घर में बैंगन उगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें कीड़े लगेंगे तो क्या करेंगे, जब केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है तो। ये देखिए हमने इसका नीम ऑयल जो 10,000 PPM का होता है उससे बैक्टीरिया कल्चर में डाल के, और धतूरे का एक्सट्रैक्ट होता है एक पत्तों का, वो उन दोनों से एक पेस्टिसाइड बनाया हमने। इसको आप 2 ढक्कन, ये देखिए ये ढक्कन है, इससे 2 ढक्कन 1 लीटर पानी में मिला के, 0.5 लीटर करना है तो 1 ढक्कन डालिए और इसको हर वीक स्प्रे करते रहेंगे, तो इसमें आपको देखो कि कोई कीड़ा, कोई माइट, स्पाइडर माइट कुछ भी इसमें नहीं है, फल भी बिल्कुल स्वस्थ है। अब कुछ फल में आप ये देख रहे होंगे कि ये निशान पड़ा हुआ है, ये निशान किस चीज़ का है दोस्तों, पहचानिए, नहीं पहचान पाए। इन दिनों तूफान चलता है और तूफान की वजह से ये पौधा फल जो है आपस में रगड़ खाते हैं छोटे हुए, तो ये इनका चोटिल हो जाना जो है ये इसको शो कर रहा है कि चोटिल हो गए। तो तूफान की वजह से मेरा काफ़ी चीकू भी झड़ गया था, तो ये निशान उसके हैं, नहीं तो बिल्कुल स्वस्थ पौधा आपको दिखाई दे रहा है और फलों से बिल्कुल अटा पड़ा। तो ये चीज़ें करके आप अपने घर में ही अपना बैंगन उगा सकते हैं और खा सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो मेरे इस नंबर पे पूछिए, 9996928517, रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप करें इस पे इसी नंबर पे, 9996928517, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और मैं वॉइस कॉल के थ्रू जवाब दे दूंगा, वॉइस मैसेज के।